हिंद, स्वागत करते हैं आपका अपना YouTube चैनल टुडे अपडेट में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे एक अनदर जॉब अपडेट के बारे में, जो कि समेकित बाल संरक्षण सेवा योजना के अंतर्गत ये वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें से यहां पे जिले के किशोर न्याय बालिकों को देख रेख संरक्षण के लिए ये पोस्ट निकाली गई है। तो कौन कौन सा पोस्ट यहाँ पर निकाला गया है, क्या क्वालिफिकेशन है, सारी इन्फॉर्मेशन एक एक करके यहाँ पर बताएँगे और इसकी वेतन क्या होगी वो सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। पहला अगर पोस्ट की अगर बात करें तो ये परामर्शदाता का निकाला गया है, जिसमें से 14,000 रुपये पर मंथ यहाँ पे इसकी वैकेंसी रखी गई है। 14,000 रुपये ये आपका यहाँ पे मंथली यहाँ पे दिया जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अगर इसकी बात करें कि यह क्या शैक्षणिक योग्यता होगी, तो सामाजिक कार्य, मनोवैज्ञानिक, समाज पोषण के में ये आपका यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट की आपके पास डिग्री होनी चाहिए। किसी भी सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से MBA की या PGDBAA की, या यहाँ पे देख सकते हैं रिलेटेड यहाँ पे दे दी गई है कि ये अगर आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। बात करें कार्य अनुभव की, तो बाल विकास ये आपका एवं काउंसलिंग के से में कम से कम 2 वर्ष की ये आपका अनुभव होनी चाहिए, तो आपको यहाँ पर प्रेफरेंस भी दी जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे पोस्ट की बात करें तो सामाजिक कार्य का ये आपका निकाला गया है, जिसमें से 14,000 रुपये पर मंथ दी जाएगी। बात करें इसकी शैक्षणिक योग्यता, तो सामाजिक कार्य, मनोवैज्ञानिक, समाज पोषक में ये आपका पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए, जिसमें से आपका किसी भी सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से MBA की आपके पास डिग्री होनी चाहिए। अगर बात करें ये बाल विकास एवं काउंसलिंग में कम से कम 2 वर्ष की यहाँ भी कार्य अनुभव रखी गई है। अगर बात करें नेक्स्ट यहाँ पे पोस्ट की, तो ये जो है आपका यहाँ पे तीसरा पोस्ट, जो कि सहायता सह डाटा एंट्री ऑपरेटर का निकाला गया है, 10,000 रुपये पर मंथ यहाँ पे रखी गई है वेतन। इसकी अगर बात करें तो किसी भी संकाय में आपका ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास कोई भी स्ट्रीम से है तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पर दिया गया है कि कंप्यूटर दक्षता हिंदी और अंग्रेजी में, आपको हिंदी में 30 वर्ड प्रति मिनट और ये जो है अंग्रेजी में 35 वर्ड जो है प्रति मिनट आपको यहाँ पे टाइपिंग आनी चाहिए। बात करें तो सरकारी संस्था लोक उपक्रम मान्यता प्राप्त संस्था से न्यूनतम 3 वर्ष का कंप्यूटर कार्य का अनुभव होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे पोस्ट की अगर बात करें तो ये आपका आउटरीच कार्यकर्ता का निकाला गया है, जिसमें से ये आपका 8,000 रुपये पर मंथ दी जाएगी। प्रेविका उत्तीर्ण होना चाहिए, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसकी अगर बात करें ये आपका संबंध कार्य में कम से कम 2 वर्ष का अनुभव होनी चाहिए। बात कर लेते हैं इससे रिलेटेड सारी यहाँ पे दे दी गई है गाइडलाइंस, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसकी इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस हम आपको यहाँ पे बता देंगे, ताकि किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स ना हो। 10th और 12th जो है उत्तीर्ण होना अनिवार्य रखा गया है, जो कि झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त से, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करें तो ये सारी गाइडलाइंस दी गई है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अगर इसकी बात करें कि क्या यहाँ पे इसकी उम्र सीमा होगी, तो 1/8/2021 से अनुसार ये आपका उम्र सीमा का गणना की जाएगा। अगर बात करें कि कब तक यहाँ पे आवेदन आपको करनी है, आवेदन का जो अंतिम डेट है, अंतिम डेट जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अंतिम डेट यहाँ पे दे दिया गया है कि 25/9/2022 तक अंतिम डेट आवेदन का रखा गया है, ठीक है। अब कैसे आवेदन करनी है इसके बारे में अगर बात करें, तो ये जो है आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के अनुसार से ये आपको करनी है, और ये स्पीड पोस्ट रखी गई है, ठीक है। और ये यहाँ पे देख सकते हैं कि यदि कोई आवेदक जो है एक से अधिक पद पे जो आवेदन करना है, उसके लिए अलग जो है आवेदन यहाँ पे अनिवार्य रखा गया है। क्या क्या आवेदन में आपका लगना है, आवेदन पत्र के साथ जो है आवेदक योग्यता, कार्य अनुभव, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको छाया प्रति संलग्न करानी है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करें चयन संबंधित जो है अंतिम जो है सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपका किसी प्रकार की अगर दी जाती है तो आपको इस चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। अगर बात करें आवेदन का जो पता होगा, ये पता दिया गया है, इस पता पर आपको भेजनी है, बाई स्पीड पोस्ट भेजना है, या यहाँ पे देख सकते हैं कि कार्यालय जिला बाल संरक्षण इकाई खूंटी समरणालय, जो कि भवन कमरा संख्या 3 खूंटी में आपको यहाँ पे आवेदन आपको भेजनी है, ठीक है। तो अगर इससे यहाँ पे बात करें तो ये जो है आपका एप्लीकेशन दिया गया है, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके टेलीग्राम चैनल के थ्रू आपको डाउनलोड करनी है और सारी इन्फो ये जो है प्रिंट आउट करवा करके इसे अच्छी तरह से फुलफिल करना है, उसके बाद आपको स्पीड पोस्ट कर देनी है, ठीक है।
तो ये है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जो कि हम बता दिए। किसी प्रकार की कोई डाउट्स प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इन्फॉर्मेशन इतना ही था, धन्यवाद।